अरविंद जी, कहावत उभर रही है हमारे देश में कि आम आदमी एक औरत है, तो ये आप धरने पे गए थे जब नेहा यादव का बलात्कार हुआ था, आप पुलिस रिफॉर्म के इशू पे धरने पे गए थे, अगर आप सत्ता में आया प्रधानमंत्री बने तो फिर आप इस मुद्दे पर क्या करेंगे स्पेसिफिकली? आप इंडिया आप एक आपको मतलब विमेन सेफ्टी विमेन सेफ्टी पे, हम इसे विमेन्स फ्रीडम कहते हैं, आपको एक अभी पर्चा दिया गया, ये है महिला आजादी घोषणा पत्र और द इंडिया विमेन्स फ्रीडम मैनिफेस्टो. डू यू कमिट टू द 6 प्रायोरिटी पॉइंट्स देयर? आई फुली कमिट टू दैट, पर मेरा एक सुझाव है, ये बहुत अच्छा लिखा आपने, अगर आप ये 6 के 6 पॉइंट्स अगर यहाँ बोल दें जी. तो अभी सारे टीवी पे और इंटरनेट पे चल रहा है, वो लोग भी समझ जाएंगे कि मुद्दे क्या है. These are beautiful points. We commit to all these 6 points. That's wonderful. So आप बोले तो बेटर रहेगा. It's educate for equality. We will implement comprehensive, well-funded, long-term Can public education programs. Can you just read the titles, Arvind ji, because we we'll title से समझ नहीं आ रहा. Educate for equality. कि हम लोग महिलाओं को बराबरी देने के लिए जितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा सरकार की तरफ से, जितने भी रिसोर्सेज वो हम कमिट करते हैं कि वो लगाएंगे. इज दैट राइट? जी, वी कमिट टू दैट. मेक लॉज काउंट. वी विल वर्क टू एंश्योर ईच गवर्नमेंट एजेंसी प्रोड्यूसेस, कि हर सरकारी एजेंसी कानूनों के अंदर महिलाओं के साथ जो वायलेंस होती है जिस भी कानून की वजह से उसको ठीक करेंगे. इज दैट राइट? ये सिर्फ वायलेंस के ऊपर नहीं है, वायलेंस और इक्वालिटी और फ्लरिशिंग दोनों के तीनों के ऊपर है. प्रॉपर्टी राइट्स भी अगर आप देखें तो हर मिनिस्ट्री, अगर आपकी आप अगर सत्ते में आए या कोलिशन गवर्नमेंट में आए, तो अगर हर मिनिस्ट्री ब्रेक डाउन कर पाए क्या क्या स्टेप्स चाहिए टू मेक द लॉज अ रियलिटी. सो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. वी कमिट टू ऑल दीज 6 पॉइंट्स. Thank you.